गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 91। दिस इज राजचंद्रा द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है वो है स्पॉटिंग द एरर का सेशन। और यार, इंग्लिश सेगमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है ये। और आप देख सकते हैं, ये जो सेशन होगा हमारा स्पॉटिंग द एरर का, और स्पॉटिंग द एरर जैसा कि आप जानते हैं एक ऐसा सेगमेंट होता है इंग्लिश ग्रामर का जो डियर किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफ्यूज कर सकता है। और कंफ्यूज इसलिए कर सकता है क्योंकि स्पॉटिंग द एरर जो का जो सेक्शन होता है उसमें ग्रामर के किस टॉपिक से, ग्रामर के किस पार्ट से, किस सेक्शन से एरर पूछ लिया जाए, ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता नहीं होता है। स्टूडेंट्स तो छोड़ दीजिए, जो इंग्लिश के एक्सपर्ट होते हैं उनका भी दिमाग घूम जाता है स्पॉटिंग द एरर में। सो इसी सेशन के साथ मैं मौजूद हूँ ताकि आपके स्पॉटिंग द एरर वाले जो भी इफ एंड बट हैं उसके रूबरू करा सकूं, आपको उससे परिचय करा सकूं। सो डियर फ्रेंड्स, आइए फटाफट हम देखते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर इस लेक्चर का या इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? तो देखिए, पीडीएफ वगैरह अभी बन रहा है, तो जो भी वीडियोज़ मेरे हैं, ये जो मैं यूट्यूब पर लाइव ले रहा हूँ आप लोगों का, तो उसके पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। उसका लिंक वगैरह मैं बता दूंगा कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है? तो पीडीएफ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए संस्था का ताकि हम जुड़ सकें, कुछ बात कर सकें, कुछ पूछ सकें। तो देखेंगे, वो नंबर भी आपको बता दूंगा जो अभी आगे स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन पर नंबर शो करेगा तो आपको इंडिकेट कर दूंगा, आप वहां से देख के नंबर ले सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसको आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, जो भी आप लोग कह रहे हैं सभी। सो आइए, स्वागत करते हैं हम लोग इस सेशन का अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। और जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पॉटिंग द एरर का यह सेशन है, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है डियर, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिए, फटाफट एंड खटाखट लाइव हो जाइए, फटाफट मुझसे जुड़ जाइए। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर फ्रेंड, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शन देखिए। पहले बता देना चाहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप डायरेक्शन को जरूर पढ़ें। सो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, दैट इज फाइंड आउट द एरर इफ एनी। क्या डायरेक्शन कह रहा है? फाइंड आउट द एरर इफ एनी मीन्स सेंटेंस में यदि कोई गलती हो तो आप उसको पता करेंगे, देखेंगे कौन सी गलती है, कौन सा पार्ट गलत है। आपको लगता है कि कोई पार्ट गलत नहीं है तो आपके पास नो एरर का भी ऑप्शन है। सो डियर फ्रेंड, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो चलिए, सो आइए देखते हैं इस चीज को और सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। देखेंगे ये जो इंडिकेट कर रहा है, यहां ध्यान देंगे आप लोग, ये जो इंडिकेशन है, ये क्वेश्चन की नंबरिंग की गई है कि कौन से नंबर का प्रश्न है। सो 1 लिखा है, मतलब कि पहला क्वेश्चन है ये। देखेंगे पहला क्वेश्चन, मिस्टर रमेश मोहन इज एमएलए फ्रॉम कानपुर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है, मिस्टर रमेश मोहन इज एमएलए फ्रॉम कानपुर। देखेंगे डियर फटाफट, रमेश मोहन, यहां ध्यान देंगे, वैसे रमेश और मोहन तो दो अलग अलग नाम होते हैं, रमेश और मोहन दो अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन यहां रमेश मोहन एक ही व्यक्ति का नाम है, जैसे आप लोगों ने मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा, सुने हैं, डेफिनेटली सुने होंगे मदन मोहन मालवीय। तो मदन और मोहन दो अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन यहाँ एक साथ इनका, यानी एक ही व्यक्ति के नाम है। इन द सेम वे यहाँ बोला गया है रमेश मोहन, यानी कि मिस्टर रमेश मोहन, रमेश मोहन एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, वरना सोचेंगे आप लोग कि यार रमेश मोहन दो नाम है तो एज कैसे हो सकता है। तो आप लोग सोचेंगे कि रमेश मोहन दो नाम है तो यहाँ आर होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि पार्ट ए में ही गलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रमेश मोहन एक ही व्यक्ति का नाम है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? सो मिस्टर रमेश मोहन, देखेंगे मिस्टर रमेश मोहन इज एमएलए, रमेश मोहन क्या है, एक एमएलए है। एमएलए मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए क्या होता है डियर? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान देंगे आप लोग, इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में हम लोग कहते हैं विधायक। वैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है वो विधान परिषद का सदस्य होता है, मीन्स विधायक को ही कहते हैं एमएलए या विधान परिषद का सदस्य। सो डियर, ऑप्शन इसमें कौन सा गलत है फटाफट बता देना चाहता हूं मैं। देखिएगा, ये ऑप्शन 2, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, और एमएलए इसमें लगा हुआ है। क्यों गलत है जरा ये भी आपको बता देना चाहता हूं, बहुत से लोगों को पता होगा क्योंकि क्वेश्चन काफी ईजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकर आए हूं आपके सामने। सो एमएलए क्यों गलत है जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो एमएलए लिखा हुआ है, एमएलए लिखा हुआ है, देखिए किसी भी वर्ड के पहले ए आएगा या अथवा एन आएगा, ए आएगा या एन आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका साउंड क्या है। साउंड इन द सेंस कि वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, ध्यान देंगे कॉन्सोनेंट साउंड,
सेकेंड ईयर कौन से साउंड की बात हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड है कि वॉवल साउंड है, ये मैटर करता है। और कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड कैसे पहचानना है ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखेंगे हिंदी में जब कभी भी हिंदी में अ आ ई उ ए ओ एटसेट्रा, हिंदी में जब कभी भी ये आ जाए, मतलब कोई वर्ड मान लीजिए आपके सामने मौजूद है और आपको पता करना है कि इसमें वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप क्या करेंगे उस शब्द के पहले अक्षर को, पहले लेटर को आप मन ही मन हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे, हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे। और होगा क्या, उनमें से यानी कि अ आ ई उ ए ओ, इनमें से कुछ भी यदि आ जाए, इनमें से कोई भी अगर आता है पहले अक्षर में पहले लेटर में, तो वहां हम मानते हैं कि वॉवल साउंड होता है। क्या होता है, वॉवल साउंड होता है डियर, ये ध्यान देंगे। और वॉवल साउंड के लिए क्या आता है, वॉवल साउंड के लिए एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। पुनः ध्यान दीजिए, वॉवल साउंड के लिए क्या होता है, एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। ठीक है, वॉवल साउंड कैसे पहचानते हैं, किसी भी शब्द में अ आ ई उ ए ओ इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो वॉवल साउंड है, इनमें से कुछ भी ना आए तो वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड है। सपोज करिए कह दिया जाए कि दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, यह एक डॉग है, कुत्ता है, जो भी हो। सो डॉग में अ तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर कंफर्म करना है कि डॉग में वॉवल साउंड है कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो डॉग को क्या कर लेंगे, यहां मान लीजिए डॉग लिखा हुआ है, देखेंगे आप डी ओ जी डॉग, इसको हिंदी में आप लिखेंगे डॉ, तो क्या आ रहा है, डॉ, डमरू वाला डॉ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमारे पास क्या है अ आ ई उ ए, ये सारे हैं, डॉ नहीं है, मींस इनमें से कुछ नहीं है, यानी कि डॉग में कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब यहां पर इसके पहले अ डॉग आएगा, अ डॉग ही आता है। यदि हम बात करें फिर से, मान लीजिए यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी कहता है कि यह एक विश्वविद्यालय है, दिस इज अ यूनिवर्सिटी होगा कि दिस इज एन यूनिवर्सिटी होगा, देख लेते हैं, यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे आप, यूनिवर्सिटी लिखेंगे जब तो शुरुआत या से होगी ना, यूनिवर्सिटी ऐसे यू, तो क्या आ रहा है, यह आ रहा है आपका यज्ञ वाला, यह आ रहा है, हमारे पास क्या है, इनमें से कुछ भी ये नहीं है, यानी कि यह जो है इनमें से नहीं है, मींस वहां भी यूनिवर्सिटी में भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यूनिवर्सिटी के पहले भी क्या हो जाएगा, ए का प्रयोग, दिस इज अ यूनिवर्सिटी होता है, दिस इज एन यूनिवर्सिटी नहीं, ध्यान देना है। बहुत पहले यानी कि बहुत सी किताबों में या बहुत से लोग ये पढ़ते हैं कि वॉवल के पहले एन लगता है, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है, ये बात सही है, लेकिन ये बच्चों के लिए सही है, आप कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है, आपको यह ध्यान देना होगा कि वॉवल साउंड के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए लगता है, भले चाहे वो वॉवल से शुरू हुआ हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो। सो डियर फ्रेंड, एमएलए की बात कर रहे थे हम लोग, आइए फटाफट देख लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को पहचानेंगे। देखिएगा अब एमएलए जो लिखा हुआ है इसको देखते हैं, ये वाला पार्ट गलत है हमारा एमएलए वाला, इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, एमएलए को चेक कर लेते हैं कि इसमें वॉवल साउंड है या नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है या नहीं है। देखिए एमएलए को हम लिखेंगे तो पहले एम लिखेंगे ना, एम एल ए, और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग एबीसीडी जो पढ़ते हैं ना वो गलत पढ़ते हैं, यानी वो क्या पढ़ देंगे इसको, ये लिखा है एम एल, क्या लिखा है, एम एल और ए, ये लिखा है, बहुत से लोग क्या पढ़ लेंगे इसको, यम यल ए। अब जरा सोचिए, जो लोग इसको यम यल और ए पढ़ेंगे उनका तो सत्यानाशी होना है, एम एल ए पढ़ना है, मतलब कि आप ये यम नहीं लिखा है, बहुत से लोग पढ़ते हैं यम यन यल यस, ऐसे नहीं लिखा है, एम एल एन एस, ध्यान देना है, अदरवाइज आपका साउंड गलत हो जाएगा। सो डियर देखेंगे एमएलए में क्या करेंगे, आप जब एम लिख रहे हैं, देखिए यहां लिखा हुआ ना एम, जब आप एम लिख रहे हैं यहां तो ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ए आ रहा है ना, और मैं क्या बताया था आपको कि अ आ ई उ ए ओ इनमें से कुछ भी होता है तो क्या होता है, वॉवल साउंड होता है। सो एमएलए में क्या है डियर, वॉवल साउंड है, एमएलए में क्या है, वॉवल साउंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अ एमएलए यहां लगा हुआ है यह गलत है, एमएलए से पहले क्या होना चाहिए, एन, यानी कि ऑप्शन टू जो है इस सेंटेंस का दूसरा जो पार्ट है, सेकेंड दूसरे नंबर का जो पार्ट है वो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि एमएलए में वॉवल साउंड है और वॉवल साउंड के पहले एन लगता है, तो वहां अ एमएलए लिखा हुआ है, अ को हटाकर आप यहां एन लगा दीजिए, इस ए को हटाकर क्या कर लेंगे, एन का प्रयोग कर देंगे, यानी अ एमएलए हटाकर एन एमएलए लिख देंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए।
थोड़ा सा इस चीज को और भी समझते हैं। मान लीजिए इसी एमएलए को फुल फॉर्म में लिखा गया है, लिख दिया जाए कि मिस्टर रमेश मोहन इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सपोज करिए ये एमएलए तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, यदि इसी को यदि फुल फॉर्म में लिख दिया जाए तो क्या होगा? ध्यान देंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो साउंड कौन सा आ रहा था? वॉवेल। अगर फुल फॉर्म हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर कैसे लिखते हैं? मेंबर लिखते के लिए पहले मा लिखना पड़ता है ना, मछली वाला मा 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 मैं जो भी कह लीजिए आप लोग। सो ये क्या है, कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। जी हाँ, अ आ ई उ ए ओ, ये जो मैं बताया हूँ हिंदी में, इनमें से नहीं है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये मा क्या है? सी एस। सी एस का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, कंप्यूटर साइंस में समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सो मा क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब कि इसके पहले ए लगेगा। सो माई डियर फ्रेंड, आपको बता देना चाहता हूँ, जब एम एल ए आपने लिखा यहाँ तो इसमें वॉवेल साउंड था, इसलिए एन एम एल ए होगा। और इसी एम एल ए को अगर आप फुल फॉर्म में लिख देंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड होगा, इसलिए उसके पहले ए लग जाएगा, यानी कि एन एम एल ए सही होता है और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये सही होता है, ठीक है। चलिए, इन द सेम वे मान लीजिए एसपी की बात हो रही है। एसपी, एसपी क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। एसपी क्या होता है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक। जैसे कह दिया जाए कि ही इज एन एसपी होगा कि ही इज अ एसपी होगा, ही इज एन एसपी होगा कि ही इज अ एसपी होगा। देखिए, तो एसपी में एस को कैसे लिखेंगे? एस लिख रहे हैं ना, एस। जब एस में आप देख रहे हैं ए लगा हुआ है, ए आ रहा है कि नहीं? जब ये ए आ रहा है अलग से, इसका मतलब कि वॉवेल साउंड है, तो एन एस पी होता है। एन एस पी क्या होता है? एन एस पी, ध्यान देना है आपको डियर, क्या होता है? एन एस पी। तो एस पी के पहले एन रहेगा, लेकिन इसी एस पी को यदि हम फुल फॉर्म में बोल देंगे, क्या बोल देंगे? फुल फॉर्म में बोल देंगे, जैसे क्या बोल देंगे कि ही इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जैसे एमएलए का फुल फॉर्म बोल दिया, वैसे एसपी का फुल फॉर्म बोल देंगे, ही इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुपरिंटेंडेंट जब लिखेंगे फुल फॉर्म में तो सारा है, यानी सा तो है नहीं, अ आ ई उ ए ओ नहीं है ना इसमें से कुछ भी, सारा। इट मींस कि वहां कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि ए लग जाएगा। तो एसपी शॉर्ट फॉर्म था तो एन एसपी हो रहा था, फुल फॉर्म एसपी लिख देंगे यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहां क्या हो जाएगा? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। सो आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है डियर। सो ऑप्शन दूसरा हमारा इसमें जो है वो गलत है। क्यों गलत था? ए को हटाकर एन लगा दीजिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन। क्वेश्चन काफी छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। देखिएगा, आई फाउंड दैट, मुझे पता चला कि ऑल माई मनी, मेरे सारे पैसे हैव गॉन, खर्च हो चुके हैं। पैसे जा चुके हैं मतलब सब खर्च हो गए, उठ गए, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, सेंटेंस का मतलब ये हुआ। सो डियर, गलती क्या है इसमें? गलत इसमें ये वाला पार्ट है, तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट गलत है डियर? तीसरा पार्ट गलत है, ध्यान देंगे आप लोग। और तीसरे पार्ट में गलती क्या है जरा बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये हैव लगा हुआ है, ये गलत है। क्यों गलत है समझिएगा थोड़ा सा। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कि ऑल माई मनी, ऑल तो है, तो देखिए ऑल जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब उसके बाद प्रयोग होती है। जैसे ऑल इज वेल होता है ना, ऑल हैव कम, ऑल हैव गॉन। तो कहने का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा इस फंडे को। ये जो मनी लिखा हुआ है, ये जो मनी वर्ड है, ये अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? ये अनकाउंटेबल होता है। मनी वर्ड क्या है डियर? अनकाउंटेबल नाउन है, ये बिल्कुल आपको ध्यान देना होगा। मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। लेकिन जब भी किसी पैसे यानी किसी करेंसी का नाम हो, जैसे रुपया, इंडिया में रुपया चलता है, रुपीज, रुपया हो, दिनार हो, पाउंड हो, यूरो हो, डॉलर हो, किसी भी करेंसी का नाम जो होता है, करेंसी का नाम, किसी मुद्रा का नाम जो होगा, पैसे का नाम जो होता है, क्लियर है, ध्यान देंगे, वो काउंटेबल होता है। जैसे हम कह दिया जाए रुपीज, पाउंड, डॉलर, ये काउंटेबल नाउन है। लेकिन मनी वर्ड जो होता है, पर्टिकुलर ये मनी वर्ड है, ये अनकाउंटेबल है। और जब ये अनकाउंटेबल है, कोई भी नाउन जब अनकाउंटेबल होता है, कोई शब्द जब अनकाउंटेबल होता है, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, प्लूरल नहीं आती।
क्लियर है। तो मनी यहां पर क्या है, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब होगी वो क्या होगी, इसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी डियर, क्या होगी, सिंगुलर होगी। मतलब यहाँ जो हैव लगा हुआ है, हैव तो प्लूरल है, हैव को काट दीजिए आप लोग और क्या कर लेंगे, यहाँ हैज लिख लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखेंगे क्या करेंगे आप लोग, आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैज गॉन, क्यों, क्योंकि मनी वर्ड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए क्या होगा, इसके बाद वर्ब सिंगुलर होगी, तो हैव को हटा के हम हैज कर लेंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। जब आप लोग हिंदी में पूछते हो ना कितना हुआ, किसी दुकानदार से पूछते हो ना कुछ सामान खरीदते समय, या खरीद लेते हैं, बोलते हैं भाई कितने का है या कितना हुआ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है, हाउ मच, क्या बोलते हैं, हाउ मच, हाउ मैनी नहीं बोलते हैं। आपको बस ये पूछना है दाम, भाई साहब ये कितने का है, बहन जी ये कितने का है, तो आप जब पूछते हो ना कितने का है, तो वहां आप पूछोगे हाउ मच, मतलब शॉर्ट में आप बोलते हो हाउ मच, या फिर आप जब सामान ले लिए फिर पूछना हुआ कितना हुआ, तो आप क्या बोलते हैं, हाउ मच। लेकिन आपको ये बोलना हो कि कितने रुपए हुए, रुपए बोले, कितने पाउंड हुए, कितने डॉलर हुए, कितने यूरो हुए, अगर आपको ये बोलना है तो फिर आप हाउ मच नहीं बोल सकते हैं, हाउ मेनी बोलेंगे, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मेनी डॉलर, हाउ मेनी पाउंड, हाउ मेनी यूरो, किसी मुद्रा का नाम बोलेंगे, किसी करेंसी का नाम बोलेंगे तो हाउ मनी, और बस नॉर्मली पूछना है कितना हुआ, कितने का है, तो हाउ मच। इसलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड जाना हो, अमेरिका जाना हो, तो दो शब्द याद रखिए, हाउ मच एंड टू मच, पूछिए हाउ मच कितने का है, तो कुछ बताएगा कि ओ टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है, बोलते हैं ना अरे इतना महंगा। सो डियर फटाफट बता देना चाहता हूं, देखिए आप लोग, मनी वर्ड अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो हैव को काट के हैज लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट, ईच ऑफ अस हैव डन द असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, देखेंगे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसमें भी दूसरा वाला गलत है, दूसरा कैसे गलत है, जब कभी भी ईच ऑफ आ जाए, ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, यदि ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखे, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन, ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है, क्रिया जो होती है वो सिंगुलर होती है। सो डियर ईच ऑफ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अस प्रोनाउन लगा हुआ है, प्लूरल है, मैंने क्या बोला, ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, बट वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, रुचि वर्मा गुड आफ्टरनून, चलिए आप सबको गुड आफ्टरनून, फटाफट देखेंगे आप लोग। सो क्या बताया था, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, बट वर्ब सिंगुलर होती है। ईच ऑफ के बाद यहाँ प्रोनाउन अस प्लूरल है, वी से बना हुआ है, लेकिन वर्ब क्या है, होनी चाहिए सिंगुलर। सो डियर हैव यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए इस हैव को आप यहाँ से हटाएंगे और हैव की जगह पे क्या लिखेंगे, हैज, और सेंटेंस हमारा फिर सही हो जाएगा, यानी ईच ऑफ अस हैज डन द असाइनमेंट। क्लियर है, चलिए आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी अप, जल्दी करो, क्यों, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, अरे जल्दी करो यार, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए तुम्हारी, ठीक है जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, हरी अप बोलते हैं ना, हरी अप जल्दी करो यार, ओके चलिए देख लेते हैं फटाफट, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, ऑप्शन टू इज इनकरेक्ट, दूसरा वाला ऑप्शन जो है क्या है डियर, गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, क्यों, देखिएगा लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेस्ट अलग से, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, लेस्ट का अलग से मतलब क्या होता है, एल ई एस टी, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, लेकिन और सॉरी और अलग से शुड का मतलब क्या होता है, एस एच ओ यू एल डी, बहुत से लोग इसको शुल्ड पढ़ते हैं, ये शुल्ड नहीं लिखा है, एल साइलेंट होता है, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, दोनों का अलग से मतलब होता है अन्यथा या नहीं तो, उसका होता है चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ लिखे गए हैं और बीच में डॉट्स दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जुड़े हुए हैं, पेयर में हैं, जोड़े में हैं, और जब दो वर्ड से जोड़े में आते हैं तो ये कंजंक्शन है, ये क्या है, कंजंक्शन है, और जब वो पेयर में होते हैं कंजंक्शन, तो उसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसे आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, लेस टूड, ये सब ग्रामर की भाषा में कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। सो डियर फ्रेंड लेस्ट शुड यहां पर जोड़ा है, पेयर है, मतलब ये कंफर्म है कि किसी सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में लेस्ट लगा हुआ है तो उसके बाद किसी भी कीमत पर शुड ही आना चाहिए और कुछ नहीं आ सकता, पहली शर्त।
तो देख लेते हैं। और जब ये लेफ्ट शूट साथ में जुड़ते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट शूट का, कहीं ऐसा ना हो कि। बहुत ही पुराना एक गाना चला था, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। गाना सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले, कोई सुन ना ले। इस गाने का ट्रांसलेशन क्या होगा, स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोल, लेस्ट समवन शुड लिसन टू अस, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें सुन ले। सो डियर, लेस शुड का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। वही बात यहां लिखी गई है कि हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, अर्थात तुम ट्रेन मिस कर दो। गलती कहां है देख लेते हैं भाई। लेस्ट तो यहां लगा हुआ है, शुड भी लगा हुआ है, फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, यहां है नॉट में, ये यहां प्रॉब्लम है डियर, ध्यान देंगे। और प्रॉब्लम क्या है फटाफट देख लेते हैं, चलिए। प्रॉब्लम यह है कि लेस्ट शुड में कभी भी इनके साथ, शुड के साथ या लेस्ट शुड के आसपास भी कभी भी आपको नॉट, डोंट या कोई भी नेगेटिव वर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जो नकारात्मक अर्थ देता है उसका यूज नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही नॉट का अर्थ निहित होता है, अंडरस्टूड होता है, यानी कि छिपा होता है। जैसे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसमें पहले से नॉट का अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए आपको नॉट, डोंट या ऐसा कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने कर दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वही यहां पे हुआ। लेस्ट के साथ शुड तो लगाया है, बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट लगा के सत्यानाश कर दिया है, और सत्यानाश कर दिया है मतलब सेंटेंस गलत कर दिया है। सो डियर, नॉट को हटा दीजिए इस सेंटेंस से, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। क्या कर लेंगे, नॉट को हटा दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी क्या बोलना होगा, हरी अप, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ओके, चलिए, तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फटाफट देखेंगे डियर, फटाफट कमेंट करेंगे। यस यस, देखिए क्या है, कॉक, COCK, कॉक मतलब होता है मुर्गा, पता ही होगा आप लोगों को। और अप मतलब होता है ऊपर, कॉकअप। कॉकअप का क्या मतलब होता है, मुर्गा ऊपर या ऊपर मुर्गा, जल्दी कमेंट करके बताएंगे आप लोग फटाफट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉकअप, फटाफट कमेंट करेंगे डियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉकअप। जो लोग भी यहां देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को लाइव है, फटाफट। कीर्ति जी, ओके, यस, थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड फटाफट कमेंट करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉकअप, जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, देखता हूं कुछ और क्वेश्चंस को। कॉकअप बताइए, मुर्गा ऊपर होता है क्या या ऊपर मुर्गा, जल्दी, व्हाट इज कॉकअप, फटाफट कमेंट करेगा कोई स्टूडेंट करे, कॉकअप का मतलब क्या होता है, एनी स्टूडेंट, कॉकअप रिप्लाई फास्ट प्लीज, कॉकअप, नो, ऊपर मुर्गा, प्रीति सागर ने कहा ऊपर मुर्गा, चलिए कोई बात नहीं, और फटाफट, एनी स्टूडेंट कॉकअप। मान लीजिए मैं कह दूं यार यू विल कॉकअप, यू विल कॉकअप मतलब तुम मुर्गा को ऊपर कर दोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको क्या समझ में आ रहा है। मान लीजिए आप मार्केट में, शॉपिंग मॉल में कहीं उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बाइक, कार, स्कूटी, ऑटो रिक्शा, बस में, कोई कह दिया अरे यार एवरीथिंग विल बी कॉक्ड अप, एवरीथिंग विल बी कॉक्ड अप, क्या समझ में आ रहा है, सब मुर्गा ऊपर हो जाएगा, क्या मतलब है इसका। प्रमोद जी ने कहा नहीं पता, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार स्वीकार कर लिया सुरेंद्र जी, कमेंट करिए फटाफट आप लोग, डिस्ट्रॉय करना, योगेश जी ने कहा डिस्ट्रॉय करना, देखिए कोई बात नहीं, आप सबने बहुत प्रयास कर लिया, फटाफट आप मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। डियर, कॉकअप का मतलब होता है सत्यानाश कर देना, क्या होता है, सत्यानाश कर देना। जैसे बोलते हैं अरे यार तुम तो सब मिट्टी में मिला दोगे, तुम तो सत्यानाश कर दोगे यार, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू विल कॉकअप मैन, यू विल कॉकअप। कॉकअप का मतलब क्या होता है, सत्यानाश कर देना, सब मिट्टी में मिला देना। तो मुर्गा मुर्गी से कोई रिलेशन नहीं है कॉकअप का, ध्यान देंगे डियर, कॉकअप का मतलब होता है सत्यानाश कर देना या सब मिट्टी में मिला देना। चलिए फटाफट ऑप्शन आंसर दे चुका हूं कॉकअप का, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अच्छा एक बात और कमेंट करिए आप लोग फटाफट, मुर्गा जो होता है कॉक, ये तो मैंने कॉकअप बता दिया, सत्यानाश करना है सब मिट्टी में मिला देना। कॉक के ने जो मुर्गा होता है वो जनरली भोर में, ऐसी मान्यता है कि सुबह सुबह बोलता है, चार पांच बजे भोर में बोलने लगता है कुकू कू,
तो कुकड़ू को मुर्गा बोलता है तो मुर्गे बोलने के क्या बोलते हैं? जैसे सपोज करिए 4-5 बजे आप लोगों को मुर्गे की आवाज़ सुनाई देती कुकड़ू कू, तो कोई कह रहा है सपोज करिए रात भर आप फोन पर बात कर रहे हैं, तो फोन पर बात करते समय आप कह रहे हैं यार मुर्गा बोल रहा है तुम्हारे यहाँ कुकड़ू कू, लग रहा है बोर हो गई। तो मुर्गा बोल रहा है, अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? द कॉक इज स्पीकिंग, क्या बोलेंगे? मुर्गा जो बोलता है मुर्गे की आवाज को क्या बोलते हैं? फटाफट बोलेंगे आप लोग, कमेंट करके बताइए मुर्गा बोल रहा है उसके लिए इंग्लिश क्या होगी, ट्रांसलेट करके बताइए इसको, मुर्गा बोल रहा है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। सपोज करिए आपको कहना हो कि मुर्गा बोल रहा है, सुबह हो गई है लग रहा है, तो मुर्गा बोल रहा है मैं बोलने की अंग्रेजी क्या होगी? मुर्गा बोलना की इंग्लिश क्या होती है? कमेंट करेंगे डियर फटाफट आप लोग। और मैं तब तक अगला क्वेश्चन देखता हूं। ही जंप्ड इन द रिवर, नदी में कूद गया टू सेव, बचाने के लिए द ड्राउनिंग चाइल्ड, डूबते हुए बच्चे को, डूब रहे बच्चे को। ड्राउन मतलब होता है डूबना, ध्यान देंगे ड्राउन मतलब क्या होता है? डूबना। तो वह डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूद गया, ठीक है, ध्यान देंगे समझेंगे डियर। गलती कहां है? आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टू, ऑप्शन टू इज इनकरेक्ट। चलिए क्रॉकिंग, कीर्ति ने लिखा क्रॉकिंग, नहीं गलत है, क्रॉकिंग नहीं होता है। फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग कि मुर्गा बोलने के लिए क्या बोलते हैं। बाकी यहां बता देना चाहता हूं कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन टू इज इनकरेक्ट, दूसरा ऑप्शन गलत है डियर। क्या गलत है देखिएगा, ही जंप्ड इन द रिवर नहीं होगा, क्या होगा? इन गलत है। इनको काट के क्या कर लीजिए, इनटू लगा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब जरा समझिएगा इनका इनटू क्यों होगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता है, थोड़ा बता देता हूं फिर भी, हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो। देखिए इनका इनटू होता क्या है, जब भी कहीं मूवमेंट की बात हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की बात हो, तो क्या होता है वहां इनटू का प्रयोग होता है, इन का नहीं। इन मोशनलेस चीजों के लिए आता है, गतिहीन चीजों के लिए आता है, जिसमें कोई गति नहीं है, कोई मोशन नहीं है, वहां इन, लेकिन जहां मोशन है वहां इनटू। और मोशन भी कैसा, मोशन भी मूवमेंट का, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का मोशन होना चाहिए, वहां इनटू होता है। माय डियर फ्रेंड ही जंप्ड, जब वो नदी में कूद रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, वो मूवमेंट हुई उसकी बॉडी में, और इसलिए क्या हो गया, इनटू का प्रयोग हो गया। क्या हो गया, इनटू का। जैसे कह दिया जाए कि मेढक कुएं में गिर गया, मेढक कुएं में गिर गया, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेढक कुएं में गिर गया। जब मेढक कुएं में गिरेगा तो मोशन आएगा उसमें, ठीक है। इन द सेम वे जब वो नदी में कूदा है तो उसमें मोशन आएगा, इसलिए इन को काट के आप इनटू करेंगे, क्योंकि जब मोशन होता है तो वहां इनटू होता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। चलिए किसी ने कमेंट किया मुर्गा बोलना, फटाफट कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। चलिए सॉरी यार बता देना चाहता हूं। अब मान लीजिए कह दिया जाए कि कुछ लड़कियां कमरे में नाच रही हैं, कुछ लड़कियां कमरे में नाच रही हैं, सम गर्ल्स आर डांसिंग इन द रूम होगा कि इन टू द रूम होगा। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? क्योंकि लड़कियां जब ऐसे नाचेंगी तो जाहिर सी बात है बॉडी में मूवमेंट होगा ना, तो जब बॉडी में मूवमेंट होगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज थे कि यार वो तो हिल रही हैं, ऐसा तो है कि नहीं, एक जगह से ऐसे नाच रही हैं, इधर उधर तो हिलेंगी, तो इन टू होगा कि इन होगा। सो माय डियर फ्रेंड बता देना चाहता हूं इन होगा। क्यों? क्योंकि कमरे, एक कमरे से दूसरे कमरे में आने जाने का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, एक ही कमरा है, एक ही जगह है, उसी में वो चाहे हिल रही हो, चाहे नाच रही हो, चाहे सो रही हो, इन आएगा। तो द गर्ल्स यानी कि सम गर्ल्स आर डांसिंग इन द रूम होगा, इन टू द रूम नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। जब मोमेंट की बात हो, प्लेस चेंज हो, वहां इन टू होता है। सो आई थिंक किसी ने मैसेज किया मुर्गे का, अपूर्वा गुप्ता ने किया इन द रूम, यस यस वेरी गुड, सही है, बिल्कुल आपने सही कमेंट किया है। मेरे मुर्गा वाला बताइए भाई, मैं मुर्गे के पीछे पड़ा हूं, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कमॉन कमॉन मुर्गा वाला बताइए, मुर्गा बोल रहा है, द कॉक इज स्पीकिंग होगा कि नहीं, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको इनटू कर लीजिए फटाफट। देखिए सॉरी यार, देखिए बहुत से लोग कह रहे थे कि सर कॉन्टेक्ट नंबर कहां से मिलेगा, संस्था से संपर्क करना है, तो यहां आप देख सकते हैं, देखिए ये 3-3 नंबर है, एक एक नहीं, 3-3 नंबर मौजूद है यहां, देख सकते हैं 7398-16-91-91, 94-55-06-91-91, मतलब 3-3 नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये देखिए यहां पे। सो डियर इन तीनों नंबर में से किसी पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। और फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा, वी ऑट सर्व आवर एल्डर्स इन द फैमिली, परिवार में हमें अपने
बड़ों का, एल्डर्स अपने बड़े बुजुर्गों का। परिवार में हमें अपनों से बड़े बुजुर्गों का, अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी क्या करनी चाहिए, सर्व सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। ठीक है, कौन सा पार्ट गलत है डियर? पहला ही गलत है। क्यों गलत है देख लीजिए, ऑट। ध्यान देंगे, पूरे जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स होती हैं, उसमें एक होता है ऑट टू और एक होता है यूज्ड टू, यानी ये एक साथ आते हैं, ऑट टू और यूज्ड टू। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए और यूज्ड टू क्या होता है, पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अर्लियर, ठीक है, या अर्लियर आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। सो डियर, ऑट टू होता है, ऑट नहीं होता है। ऑट टू साथ में आता है, यूज्ड टू भी साथ में आता है। यहां देखिए, ऑट के बाद टू को गायब कर दिया गया, इसलिए पहला पार्ट आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। क्या कर लेंगे यहां, वी ऑट टू, यानी कि ऑट के बाद टू लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए, लग रहा है बहुत लोगों ने प्रयास कर लिया है, कॉक क्लकिंग, चलिए, बहुत सारा प्रयास किया गया लोगों के द्वारा। नंबर स्विच ऑफ है, तीन तीन नंबर है, ऐसा नहीं है, तीन में से कोई ऑन जरूर होगा, आप ट्राई कर लीजिए पूर्वा जी, ठीक है। सो और नहीं फिर भी लगे तो मुझे बताइएगा, आई विल प्रोवाइड द नंबर पर्सनली। सो देखेंगे फटाफट, क्या बता रहा था मैं, ऑट के साथ टू लगता है, तो यहां टू लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा डियर। और क्या बता रहा था, मुर्गा वाला, लग रहा है आप लोग कुछ बताने के मूड में नहीं है, या बहुत से लोगों ने प्रयास किया बट सही नहीं हो पाया है, फटाफट। तो देखिए, शुरू करते हैं अपने कॉक के इस खेल को और बताते हैं, चलिए। तो मुर्गा वाला बताता हूं, कोई चाहे तो कमेंट कर सकता है, कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रूस्टर साउंड, लकी तिवारी ने कहा रूस्टर साउंड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। अगर आप लोगों को इसका आंसर जानना है तो कमेंट करके लिख दीजिए, सर बता दीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट, जानना हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है, द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट, चाबी का गुच्छा खो गया है, बाय माय मदर अर्ली इन द मॉर्निंग, आज सुबह मेरी मम्मी से, आज सुबह मेरी माता जी से चाबी का गुच्छा खो गया। चाबियां नहीं खोई है, चाबी का गुच्छा खोया, बंच खोया है, चाबियां नहीं, जरा ध्यान देंगे डियर। सो माय डियर फ्रेंड, द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट, समझिए ये गलत है। और गलत क्या है, देखिए स्टूडेंट सोचते होंगे कि कीज है तो हैव तो होगा ही, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये कीज नहीं है, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये बंच, ये बंच सिंगुलर में है, किसमें है, सिंगुलर में है डियर, एक वचन में है, ध्यान देंगे। तो जब बंच सिंगुलर में है तो वर्ब भी हमारे क्या होने चाहिए, ये जो हैव है ना, ये गलत है, यही पार्ट गलत था, हैव को हटा के सिंगुलर करिए, हैज करिए, सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। हैव को हटा के क्या कर देंगे, सर बता दीजिए, राहुल शर्मा ने कहा, वेरी गुड, जरूर बता देंगे डियर, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बता देते हैं इसको सॉल्व करा के। देखिए, द बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, चाबियां नहीं खोई है, चाबियों का गुच्छा खोया है। सो बंच जो है वो सिंगुलर में है, तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, तो हैव को काट के हैज कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। चलिए अब जरा समझिएगा, ये जो की लिखा है ना डियर, की, चलिए की मतलब तो चाबी या कुंजी होती है, सबको पता है। की होल मतलब क्या होता है, अलग से बता रहा हूं, की होल क्या होता है, की होल जल्दी बताइए कमेंट करके, की होल क्या होता है, की होल, K-E-Y की और H-O-L-E होल, बीच में हाइफन लगा हुआ, चाबी का छेद नहीं, की होल क्या होता है, जल्दी कोई बताए फटाफट फटाफट, इज इट क्रो, यस यस, चलिए बहुत प्रयास के बाद आपने बताया, देखते हैं। सो की होल क्या होता है डियर, की होल के बारे में आप लोग सोचेंगे, तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूं, अलग से देख लीजिए फटाफट। देखिएगा, क्रो, ये जो क्रो होता है, नाउन के रूप में क्रो मतलब कौवा होता है, नाउन के रूप में क्या होता है, क्रो का मतलब कौवा होता है, ठीक है, ये नाउन है, क्रो मतलब जब कौवा होता है तब नाउन होता है, जब क्रो यही वर्ब, वर्ब में क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तो क्रो का मतलब होता है मुर्गे, मुर्गे की आवाज या मुर्गे का बोलना, जैसे कहना हो कि मुर्गा बोल रहा है तो द कॉक इज क्रोइंग, क्या बोलेंगे, द कॉक इज क्रोइंग, मुर्गा बोल रहा है। क्रो वर्ब के रूप में होता है मुर्गे का बोलना यानी कुकड़ू को करना, और क्रो नाउन के रूप में होता है कौवा। कौवा भी दो प्रकार का होता है, एक देखे होंगे आप लोग कि वो पूरा काला होता है, जो कौवा पूरा काला होता है उसको बोलते हैं रेवन, R-A-V-E-N, जो कौवा पूरा काला होता है वो कहलाता है रेवन,
और जिस कौवे की गर्दन ये नेक थोड़ी सी ब्राउन होती है, हल्की सी भूरे रंग की होती है, आपने ध्यान दिया होगा, ध्यान नहीं दिया हो तो ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, उसको बोलते हैं क्या, क्रो। ये है तो क्रो मतलब कौवा तो होता है डियर, कौन सा कौवा होता है जिसकी गर्दन हल्की सी ब्राउन होती है, भूरी होती है, वो क्रो कहलाता है। जो कौवा एकदम काला होता है उसको बोलते हैं रेवन। सो क्रो नाउन के रूप में, कौवा वर्ब के रूप में, मुर्गे की आवाज़ या कुकड़ू कू करना। सो क्रो होता है यानी द कॉक इज क्रोइंग, मुर्गा बोल रहा है। चलिए अभी क्या बता रहा था आप लोगों को, ध्यान देंगे आप लोग, अभी मैं बता रहा था वो की होल। देखिए की होल भी समझ लीजिए, की होल क्या होता है, किसने कमेंट किया है, दरवाजे में किया गया छेद ताला खोलने के लिए, नाम उन्ना ना, बिल्कुल कॉक्स क्रो सही है ऋतुराज, कॉक्स क्रो सही है। कॉक्स क्रो का मतलब होता है कि मुर्गे कुकड़ू कू करते हैं या बांग देते हैं, मुर्गे आवाज करते हैं, सही है। मैं जो सेंटेंस बोल रहा था मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल रहा था, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोला है, ठीक है। सो सही है, आपका भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंस का अंतर है सिर्फ। सो डियर देखेंगे फटाफट, यहां पर देखिए की होल, किसी ने ताला वाला की बात कही है, सो बिल्कुल नहीं है। देखिए कमेंट चेक करने की बात नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कमेंट देखता हूँ, यदि आप लोग यहाँ जितने भी लोग लाइव हैं अगर मैं सबके कमेंट पढ़ता रहूँगा ना तो सिर्फ कमेंट ही पढ़ता रह जाऊँगा और आपसे बात ही करता रह जाऊँगा और मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊँगा डियर, इसलिए मुझे थोड़ा पढ़ाने भी दीजिए, क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय लेकर मुझे दे रहे हैं कुछ सीखने और पढ़ने के लिए, ना कि मुझसे बात करने के लिए। बात करना हो तो और भी बहुत सारे माध्यम है, वहाँ से आप बात कर लीजिएगा मुझसे, लेकिन यहाँ कुछ पढ़ाने तो दीजिए, यदि सबके कमेंट पढ़ूंगा और सबका रिप्लाई करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग नाराज मत होइएगा। जिसका कमेंट मुझे दिख जाता है, यहां नजर पड़ गई, दिख गया रिप्लाई कर देता हूं, नहीं पड़ा तो क्षमा चाहता हूं, इसके लिए आप नाराज ना होइएगा। और की होल देखिए क्या होता है, आजकल क्या होता है कि नया जमाना नया हो गया है, दुश्मन मवाली गुंडे बदमाश ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हो क्या गया है, लोग घर बनवा रहे हैं तो जो मेन गेट होता है, जो मेन दरवाजा होता है, उसमें छोटा सा छेद लगा देते हैं, छेद इन द सेंस कि बहुत ही छोटा सा होता है, जैसे बाहर से किसी ने घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया या डोरबेल ऐसे बजाई, तो घर की औरतें लड़कियां या जो भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी होता है पहले धीरे से जाके क्या करते हैं, ऐसे दरवाजे में से छेद से झांकते हैं, से देखते हैं बाहर, देखते हैं कि बाहर वाला बंदा कौन है, क्या उसको मैं जानता हूं कि नहीं। तो वो जो दरवाजे का छेद, छोटा सा जो होल होता है जिससे हम अंदर के लोग अर्थात घर के मेंबर देखते हैं बाहर कि कोई बाहर वाला व्यक्ति हमारे जान पहचान का है कि नहीं, जान पहचान का होता है तो ही दरवाजा खोलते हैं, अनजान होता तो कहते हैं भैया घर में कोई नहीं, या जाके सो जाते हैं। तो जो दरवाजे का छोटा सा जो छेद होता है, सीक्रेट होल जो होता है दरवाजे का, वो कहलाता है की होल। क्या कहलाता है, की होल। आई थिंक डियर आपको समझ में आ चुका है, नहीं समझ में आया है तो बाद में समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सो डियर ये हो चुका है, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। ऑप्शन कौन सा गलत है, दूसरा। क्या कह रहा है कि अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग That India ever had, यानी अकबर भारत के उन महान राजाओं में से, उन सबसे अच्छे राजाओं में से एक था, ध्यान रखेंगे आप लोग। सो डियर देख लेंगे फटाफट क्या होता है, वन ऑफ द, ये ऑप्शन गलत है, गलत क्यों है देखिएगा फटाफट बोलता हूं। वन ऑफ द, जब भी आपको कभी वन ऑफ या वन ऑफ द दिखे तो चेक कर लीजिए तुरंत कि वन ऑफ या वन ऑफ द के बाद का जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं, क्योंकि वन ऑफ द के बाद का नाउन हमेशा बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर में होना चाहिए, अगर वो सिंगुलर में है तो वाक्य गलत है। सो वन ऑफ द प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, यानी वन ऑफ द के बाद का नाउन प्लूरल होना चाहिए, चेक कर लीजिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट तो नहीं होगा, फाइनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, इसके बाद का है किंग, देख लीजिए सिंगुलर में है, ये सिंगुलर में इसलिए गलत है। सो ऑप्शन दूसरा क्यों गलत था, क्योंकि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, यहाँ किंग तो सिंगुलर में लगा हुआ है, क्या कर लेंगे आप लोग, किंग में एस लगा दीजिए, किंग्स कर दीजिए, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, बहुवचन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट टुक मी ऑलमोस्ट अ आवर, मुझे लगभग एक घंटा लगा, ऑलमोस्ट यानी लगभग, टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, लगाने में, अप्लाई करने में क्या हुआ, मुझे लगभग एक घंटा लगा। ऑप्शन दूसरा गलत है, गलती क्या है डियर देखिए, आर लिखा हुआ है, एच ओ यू आर, मैंने क्या बताया था, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड मैंने आपको पहले बता दिया था, देखेंगे डियर
इसको जो लोग हावर पढ़ते हैं वो तो गए काम से, क्यों? क्योंकि एच तो साइलेंट होता है, एच पढ़ा नहीं जाता है, तो इसको पढ़ेंगे आर, आर पढ़ते हैं इसको आ, और मैंने क्या बताया था, अ आ ई उ ए ओ ए, इस तरह से बताया था ना आपको, इनमें से कुछ होगा तो क्या होगा, वॉवल साउंड, आ लगा हुआ है ना, वॉवल साउंड है, तो ए कैसे लगेगा, वॉवल साउंड के पहले तो एन लगता है, तो इस ए को काट दीजिए और यहां एन लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, एन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एट माई अराइवल इन दिल्ली, मेरे दिल्ली आगमन पर, आई वेंट स्ट्रेट, मैं सीधे गया टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे नजदीक वाले अस्पताल में। दिल्ली पहुंचकर मैं क्या किया, सबसे पास में जो अस्पताल था वहीं पहुंच गया सीधे। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है सीधे, गलती कहाँ है, ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट। गलती क्यों है, क्योंकि ऑन अराइवल ऑन डिपार्चर होता है, आगमन पर या प्रस्थान पर, एट नहीं होता है, तो एट को काट दीजिए, एट की जगह पर ऑन लगा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑन अराइवल होता है डियर, एंड एट अराइवल नहीं होता है, सो एट को हटा के ऑन लगाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके चलिए, सो पेट के लिए डियर ध्यान देंगे आप लोग, पेट के लिए हमारे पास मॉक टेस्ट मौजूद है, बहुत ही अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, सो यू कैन हैव इट इफ यू वॉन्ट, ओके। सो नेक्स्ट वन इज दैट यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस, यू पेड नो हीड, हीड मतलब होता है ध्यान, एच आई डी हीड, टू माई एडवाइस, तुमने मेरे सलाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी, तुमने मेरे सलाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रीता गुप्ता, आपके क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने लिखा है सर इसमें सेंटेंस सीरियल से ही होता है क्या, सो क्वेश्चन मुझे आपका समझ में नहीं आया, रिकमेंड करिए फटाफट, देखिए, यू पेड नो हिट टू माय एडवाइस, तुमने मेरे सलाह पर ध्यान नहीं दिया, डिडंट यू, ध्यान देंगे डियर, क्या कह रहा है, डिडंट यू, कहने का मतलब क्या है डियर, ध्यान देंगे आप लोग, कहने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन टैग से यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किससे पूछा गया है, क्वेश्चन टैग से पूछा गया है, मतलब आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था या नहीं बताया हूं तो आज बता दे रहा हूं कि जब भी सेंटेंस जो है पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। सो यहां पर कह रहा है कि यू पेड नो हीड, नो लगा है ना, नो हीड, नहीं ध्यान दिया, मतलब सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, और बोल रहा है पेड से क्लियर है ना कि तुमने ध्यान नहीं दिया, पे का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है पेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका क्वेश्चन टैग भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और किससे, ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो चेक कर लेंगे क्या दिया ऑप्शन, ये जो तीसरा है गलत है, डिडंट यू, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो डिडंट यू नहीं होता है डियर, डिडंट यू को काट कर आप क्या कर लेंगे, डिड यू लिख लेंगे, डिड यू करिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है, डिडंट यू नहीं होता है, क्या होता है, डिड यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डॉक्टर वॉज एकॉम्पनीड विद द नर्स यस्टरडे, कल डॉक्टर साहब नर्स के साथ चल दिए, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस कह रहा है कि कल डॉक्टर साहब नर्स के साथ चल दिए या चले गए, जो भी आप लोग कह लीजिए, सो डियर बता देना चाहता हूं ये वाला ऑप्शन गलत है, एकॉम्पनीड बाय विद द नर्स नहीं होगा, विद को काट कर बाय का प्रयोग करिए, किसका प्रयोग करिए, बाय का, यानी कि द डॉक्टर वॉज एकॉम्पनीड बाय द नर्स यस्टरडे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर्स इन अ सिस्टमेटिकल वे, देखिए फटाफट, टीचर ने क्या किया, रिव्यू किया आंसर को और करेक्ट किया, आंसर को देखा उसको सही किया, स्टूडेंट्स के जो आंसर्स थे उसको टीचर ने देखा उसको सही किया, कैसे किया, इन अ सिस्टमेटिकल वे, ये देखिए यहां गलती है तीसरे पार्ट में, आपको ही पता हुआ सिस्टमेटिक वे होता है, बोलते हैं ना सिस्टमेटिक काम करो यार, सिस्टमेटिकली काम करो, या तो सिस्टमेटिक होता है या तो सिस्टमेटिकली होता है, सिस्टमेटिकल जो है वो गलत है, क्यों, क्योंकि सिस्टमेटिकल वे नहीं होता, सिस्टमेटिक वे होता है, आपको पता होगा, बोलते हैं ना अरे यार जस्ट डू एनीथिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, तो सिस्टमेटिक वे होता है, सिस्टमेटिकल वे नहीं होता है डियर, ध्यान देंगे, क्योंकि वे नाउन है और इसके पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव, तो सिस्टमेटिक एडजेक्टिव होता है, सिस्टमेटिकल में से ये ए एल हटा दीजिए, सिर्फ सिस्टमेटिक होगा, सिस्टमेटिकल नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, तीसरा गलत था, इन अ सिस्टमेटिक वे करिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके चलिए, हेलो एवरीवन, फटाफट देखेंगे,
नहीं, देखिए जो भी क्रम होता है ध्यान देंगे आप लोग, जो 1 2 3 4 जाहिर सी बात है नंबरिंग की गई है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ रीता गुप्ता आपके कमेंट का। देखिए जो ऑप्शन की बात हो रही है, मान लीजिए ऑप्शन 4 है यहाँ, तो चारों में से ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से चेक कर सकते हैं या नीचे से। आपकी इच्छा है, आप चाहे पहले ऊपर से चेक करिए चाहे नीचे से चेक करिए, आप कोई भी चेक कर सकती हैं। और आंसर जो होता है वो पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। सो कोई भी आंसर सही हो सकता है, इसलिए जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, कंफर्म ना हो कौन सा आंसर सही है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको पूरा आंसर चेक करना पड़े, ऑप्शन चेक करना पड़े, या हो सकता है पहले में ही आपका आंसर मिल जाए। सो ये है, आई थिंक क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट देखेंगे, बिसाइड द फैक्ट दैट द वर्क वॉज डिफिकल्ट, इस तथ्य के अलावा, इस बात के अलावा कि द वर्क वॉज डिफिकल्ट, काम बहुत कठिन था, वी वर नॉट अलाउड टू टेक अ ब्रेक, हम लोगों को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिला। मतलब काम बहुत कठिन होने के बाद भी, काम बहुत डिफिकल्ट होने के बाद भी हम लोगों को बिल्कुल ब्रेक नहीं दिया गया, बिल्कुल भी मौका, थोड़ा सा आराम नहीं दिया गया। सो डियर फटाफट देख लेंगे आप लोग गलती कहाँ है, 1 में। कहाँ गलती है, 1। क्यों, देखिए बिसाइड लिखा हुआ है ना, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, वो अपनी मम्मी के बगल में बैठी थी, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, मैं अपने भाई के बगल में खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड माई ब्रदर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, यहां क्या अर्थ निकल रहा है, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, बिसाइड्स। जी हाँ, बिसाइड में एस लगा दीजिए, बिसाइड्स। सो डियर यहां बिसाइड जो है इसमें एस जोड़ दीजिए, यानी बिसाइड्स लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, या इन एडिशन टू। सो नेक्स्ट वन इज दैट, देखेंगे, I don't understand how could she treat him so badly. I don't understand. मुझे समझ में नहीं आ रहा है, how could she treat him so badly? वो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती है, वो उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये बात, ना नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं आप लोगों को डियर। सो देख लेंगे फटाफट गलती कहां है, गलती दूसरे में है। कहां गलती है, दूसरे में है, फटाफट आप लोग देखेंगे, देखिए गलती कहां है, रिता गुप्ता माई प्लेजर, देखिए, सो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड शी ट्रीट हिम सो बैडली। सो माई डियर फ्रेंड बता देना चाहता हूं गलती क्या है, गलती नरेशन की है। नरेशन की मतलब क्या, देख लीजिए, नॉट नरेशन की है, मतलब नरेशन भी कह सकते हैं, ये कह लीजिए एक टेंस की है। देखिए क्या गलती है, बता चुका हूं जब भी सेंटेंस जिस टेंस में होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें होती है। आई डोंट अंडरस्टैंड से क्लियर है, डोंट किस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है, डोंट प्रेजेंट टेंस में लगता है, मतलब आगे का पूरा सिक्वेंस प्रेजेंट में जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि डोंट लगा हुआ है, इसका मतलब कि पूरा प्रेजेंट में होना चाहिए। आगे बढ़िए, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड, ये कुड जो आप देख रहे हैं ना यही गलत है। क्यों, क्योंकि कुड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो शुरुआत हुई प्रेजेंट से, बीच में पास्ट कहां से चला आएगा, मतलब सुपर पास्ट, ऊपर का जो पार्ट है वो अगर प्रेजेंट में है, सब कुछ प्रेजेंट में जाना चाहिए। सो डियर इस कुड को काट कर कैन कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, इस कुड को हटा के आप कैन कर लीजिए, सेंटेंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ध्यान देंगे, UP SSC पेट मॉक टेस्ट बता चुका हूं मैं, ये मौजूद है हमारे सामने पेट मॉक टेस्ट, और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार है डियर फ्रेंड्स। सो इफ यू हैव इट, इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड, ओके। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखेंगे, अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स वर सीन फ्लाइंग, ध्यान देंगे, जो बंच ऑफ कीज था ना चाबियों का गुच्छा, उसी रूल पर आधारित है। अ बंच ऑफ कीज जो था चाबियों का गुच्छा, उसी पर आधारित है ये, इसमें भी गलती ये वाली है। क्या गलती है, अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स, दो पक्षियों का एक जोड़ा, दो पक्षियों की बात नहीं हो रही है, जैसे वहां चाबियों की बात नहीं हो रही थी, चाबियों के गुच्छे की बात हो रही थी, वैसे यहां दो पक्षियों की बात नहीं हो रही है, दो पक्षियों के एक जोड़े की बात हो रही है, एक पेयर की बात हो रही है, इसलिए यहां ए भी लगा हुआ है। तो पेयर एक है, इसका मतलब कि वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि एक पेयर है यानी सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स वर नहीं होगा, वर को काट दीजिए और यहां वॉज लगा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स वॉज सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई ओवर द नाइट, रात को आसमान के ऊपर पक्षियों का एक जोड़ा उड़ते हुए देखा गया, पाया गया, मीनिंग है इसकी। वर को वॉच कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, She told me, उसने मुझे बताया, that की क्या बताया, She will come to my place in the evening, कि वो मेरे घर शाम को आएगी।
उसने मुझे बताया कि वो मेरे घर शाम को आएगी। मतलब क्या हुआ डियर, फटाफट बता देना चाहता हूं, इसमें नरेशन की गलती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की गलती है। क्या गलती है देख लीजिए, सी टोल्ड मी, जब टोल्ड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चला गया, तो सब कुछ पास्ट में होना चाहिए, जब शुरू में पास्ट तो सब कुछ पास्ट, तो यहां टोल्ड है तो यहां विल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि विल प्रेजेंट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड, आप सबको पता है डियर। सो क्या कर देंगे, सी टोल्ड मी दैट, ये वाला गलत था, सी विल की जगह पे वुड कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। विल की जगह पे वुड कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, क्योंकि टोल्ड से क्लियर है कि सेंटेंस पास्ट में है, तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। नेक्स्ट, ऑन अ रेनी डे, एक बरसात का दिन था, बारिश वरिश हो रही थी उस दिन, आई एंजॉय टू वॉच टीवी विद अ हॉट कप ऑफ टी, और मैं गर्मा गर्म चाय पी रहा था और टीवी का आनंद ले रहा था, टीवी देख रहा था, वाह क्या बात है। चलिए, सो डियर फ्रेंड, टीवी का आनंद की बात हो रही है तो बता देना चाहता हूं, टीवी देखने का शौकीन जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। टीवी का शौकीन, वह व्यक्ति जो टीवी देखने का शौकीन होता है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। वन हु इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी इज कॉल्ड, चलिए मैं बताता हूं इसको, तब तक ये पार्ट गलत है, आई एंजॉय टू वॉच टीवी, ये टू वॉच गलत है, ध्यान देंगे एंजॉय के बाद, एंजॉय के बाद तुरंत बाद अगर कोई मेन वर्ब आएगी तो अपने आईएनजी फॉर्म में आती है, टू के साथ नहीं, यानी टू प्लस वी वन नहीं आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता, जेरंड आता है, यानी आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक। सो ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय, ठीक है, टू वॉच नहीं होगा, वॉचिंग होगा, तो एंजॉय के बाद क्या कर लेंगे, जो टू वॉच है, एंजॉय के बाद अगर वर्ब होगा तो वी वन प्लस आईएनजी, यानी तुरंत इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है इसकी, तो यहां टू वॉच लिखा है, टू वॉच को हटा दीजिए और यहां वॉचिंग कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। मतलब ऑन अ रेनी डे आई एंजॉय वॉचिंग टीवी विद अ हॉट कप ऑफ टी, बारिश का दिन था, गर्मा गर्म चाय लिए हुए और मैं टीवी का आनंद ले रहा था, टीवी देख रहा था। सो डियर, मैंने आपसे पूछा है कि जो टीवी देखने का शौकीन होता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फटाफट कमेंट करिए आप लोगों ने। कुशमा सिंह ने कमेंट कर दिया है कॉच पोटैटो, वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन आंसर, देखिए कॉच पोटैटो, सी ओ यू सी एच पी ओ टी ए टी ओ, कॉच पोटैटो क्या होता है डियर, कॉच पोटैटो होता है टीवी का शौकीन, ध्यान देंगे कॉच पोटैटो होता है टीवी का शौकीन जी, ये कोई आलू वालू नहीं है, कॉच मतलब तो वैसे सोफा होता है, मतलब सोफा आलू नहीं होता, क्या है, आलू से बनता है चिप्स, चिप्स खाते हुए आप सोफे पर बैठकर टीवी देखते हो ना, इसलिए टीवी का शौकीन बन गया ये वर्ड। सो कॉच पोटैटो का मतलब होता है टीवी देखने का शौकीन, माउस पोटैटो का मतलब होता है कंप्यूटर देखने का शौकीन, सिनेफाइल का मतलब होता है फिल्मों का शौकीन, सिनेफाइल, ध्यान देंगे ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, सिनेफाइल, ध्यान देंगे डियर, कॉच पोटैटो टीवी देखने का शौकीन मतलब, और सिनेफाइल फिल्मों का शौकीन, टीवी देखने के शौकीन और फिल्मों के शौकीन में अंतर क्या होता है, जो फिल्में का शौकीन होता है वो सिर्फ मूवी देखना पसंद करता है, उसको नाच गाना स्पोर्ट क्रिकेट हॉकी सीरियल कुछ पसंद नहीं है, सिर्फ मूवी देखता है वो कहलाता है सिनेफाइल फिल्मों का शौकीन, और जो टीवी का शौकीन होता है उसको टीवी पर कुछ भी आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसको टीवी चाहिए, बस वो टीवी देखेगा, वो कहलाता है कॉच पोटैटो। माउस पोटैटो कंप्यूटर का शौकीन, ये तो हो गया बहुत कुछ शौकीन। अब मान लीजिए दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग शौकीन हैं, आपको अंग्रेजी बोलनी है कैसे बोलेंगे, कोई कह दे अरे वो तो भाई पूछना ही नहीं है स्कूटी की शौकीन है, तो क्या बोलेंगे उसको फिर, कोई बात नहीं डियर, जब भी कुछ ऐसा बोलना हो तो एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आप लोगों को, फ्रिक, ये ब्रह्मास्त्र यूज कर लीजिएगा इंग्लिश ना पता हो तो, जब भी आपको कहना हो अरे वो स्कूटी की शौकीन है तो क्या बोलेंगे, अरे वो तो स्कूटी फ्रिक है, ये फ्रिक भाई, वो कपड़ों की बहुत शौकीन है भाई, वो तो क्लॉथ फ्रिक है यार, तुम चश्मे के बहुत शौकीन हो, तुम तो गॉगल्स फ्रिक हो, घड़ी की बहुत शौकीन है, वॉच फ्रिक है, कार का शौकीन है बंदा भाई, कार फ्रिक है वो तो चाहे जिसका भी शौकीन हो, जूते का शौकीन है, चप्पल का शौकीन है, सैंडल का शौकीन है, चाहे जिसका भी शौकीन हो, ठीक, उसके इंग्लिश बोल के उसके आगे फ्रिक वर्ड जोड़ लीजिएगा, वह शौकीन बन जाएगा और आपका काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, फटाफट ये सॉल्व कर चुका हूं, टू वॉच को हटा के वॉचिंग कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। सो चलिए, आई हैव नोन हर सिंस 3 इयर्स नाउ, मैं उसको 3 साल से जानता हूं, यानी कि उसको जाने मुझे 3 साल हो गया, 3 साल से मैं उस बंदे को जान रहा हूं या जानता हूं, जो भी कह लीजिए, जानती हूं,
बंदे को मतलब सॉरी हर लड़की है उस लड़की को, यानी उससे मैं 3 साल से जान रहा हूँ या जानता हूँ। देखिए फटाफट क्या कह रहा है, गलती कहाँ है, दूसरे वाले में गलती है। कहाँ गलती है? चलिए देखिए, सो आई हैव नोन हर सिंस 3 ईयर्स, मैंने उसे 3 साल से जाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट डियर। सिंस और फॉर, आपको पता होगा जब कभी भी कोई काम किया गया हो उस काम को करने का टाइम बताया जाता है से, तो वहां क्या होता है सिंस और फॉर, क्या होता है सिंस और फॉर। सिंस कब लगता है? जब टाइम फिक्स हो, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर कब लगता है? जब टाइम फिक्स ना हो, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब ये फिक्स टाइम क्या होता है समझा देता हूं 2 मिनट में, देख लीजिए फटाफट क्या हो जाएगा डियर। सिंस, देखिए शौकीन होकिन का कमेंट बंद करिए, मैं सब बता दिया किसका क्या शौकीन होता है और कैसे आपको बोलना है बता चुका हूं डियर। देखिए सिंस जो है, सिंस वहां लगता है जहां टाइम फिक्स हो, जैसे किसी दिन का नाम हो, सोमवार से मंगलवार से बुधवार से, सिंस मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो भी आपको बोलना, दिनों का नाम होगा तो सिंस। महीने का नाम, जुलाई से सितंबर से दिसंबर से जनवरी से फरवरी से मार्च अप्रैल मई, किसी भी महीने का नाम होगा तो सिंस। ठीक है, कोई सन दे दे, 2005 से 1865 से 1985 से 2020 से, कोई सन होगा तो सेंस। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? कोई टाइम दे, 12 बजे से 4 बजे से 9 बजे से 2 बजे से 8:30 बजे से 9:30 बजे से 7:45 बजे से 8:30 बजे से 1 बजे से, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, सो सेंस। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है? इसके अलावा क्या दे, कल से तो सिंस यस्टरडे, बचपन से सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये सब फिक्स टाइमिंग होती है, यहां सेंस लगता है। ध्यान देंगे डियर आप लोग, फॉर कहाँ लगता है जहां कुछ फिक्स ना हो, जैसे दिन का नाम नहीं होगा, बोलेगा 4 दिन से 5 दिन से 10 दिन से, दिन नहीं बोलेगा कि सोमवार से मंगलवार से, संडे मंडे नहीं बोलेगा, दिनों की संख्या बोलेगा 4 दिन से 10 दिन से, वहां फॉर लगता है। टाइम नहीं बोलेगा कि 9 बजे से 10 बजे से, कहेगा 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से 5 मिनट से 10 मिनट से, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई सन नहीं बताएगा, उसकी संख्या बताएगा, कहेगा 5 साल से तुम्हारा वेट कर रहा हूं, 10 साल से यहां पढ़ रहा हूं, 20 साल से तुम्हारे लिए मर रहा हूं, कुछ भी कहेगा वो। ठीक है, सो वहां फॉर लगेगा क्योंकि फिक्स नहीं है। महीने की का नाम नहीं लेगा, महीने की संख्या बताएगा, 4 महीने से 6 महीने से 2 महीने से, वहां फॉर लगेगा। तो आई थिंक सिंस फॉर आपको समझ में आ चुका होगा। वैसे ही गलती कहां है, सिंस 3 ईयर्स, 3 साल है ना, कोई सन तो दिया नहीं है कि 2022 से चाहे 2025 से या 2020 से, सो दिया है कि 3 साल से। ठीक है, सो करेंगे क्या डियर, सिंस को यहां से काट देंगे और यहां कर देंगे फॉर, फॉर 3 ईयर्स, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बैट्समैन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी, जो बल्लेबाज था उसने अपना शतक, जो बल्लेबाज था उसने अपना शतक पूरा कर लिया। बल्लेबाज ने क्या किया, अपना शतक पूरा कर लिया। कैसे पूरा कर लिया? ऑन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स, बैट्समैन ने, बल्लेबाज ने कम से कम गेंदों पर अपना शतक जड़ दिया, शतक पूरा कर लिया डियर। तो देखिए ऑन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स नहीं होता, ये वाला गलत है, ऑन को हटा के क्या कर लीजिए, इन कर लीजिए, सेंटेंस सही। हिंदी क्या बोल रहे हैं, कम से कम गेंदों में, कम से कम गेंद में, बॉल्स में, तो मेक इंग्लिश ऑन थोड़ी होती है डियर, इन होती है। ऑन को हटा के इन कर लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट, मेनी पासर बाय स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, ध्यान देंगे पहला ऑप्शन गलत है। कह रहा है बहुत सारे जो राही थे, देखिए पासर बाय क्या होता है, पासर बाय मतलब होता है राही, यात्री, बटोही या मुसाफिर, ठीक है, पैसेंजर। तो बहुत से यात्री जो थे, राहगीर थे, बटोही थे, यात्री थे, वो क्या किए, एक्सीडेंट वाली जगह पर रुक गए जहां एक्सीडेंट हुई थी। अक्सर देखे होंगे आप लोग गुजरते हैं रास्ते में, एक्सीडेंट हुआ रहता है, तो आप भी 2 मिनट रुक के देखते हैं कैसा एक्सीडेंट था, कौन जिंदा हुआ, कौन मरा, कैसे क्या है, तो आप भी थोड़ा बहुत जायजा लेते हैं। वही बात कही जा रही है कि राहगीर जो थे एक्सीडेंट वाली जगह पर रुक गए थे। गलती कहां है, ए में, क्यों गलती है, पासर बाय, ये देखिए पासर बाय में गलती क्यों है डियर, पासर बाय मतलब होता है राहगीर या बटोही या राही यात्री, तो जो एस लगा है ना, ये एस, ये बाय में नहीं, ये पासर में लगता है, बहुवचन करना है, जैसे बुक का बुक्स करते हैं, गर्ल का गर्ल्स करते हैं, वैसे ही यात्रियों, पासर बाय मतलब एक यात्री, कई यात्रियों के लिए क्या करेंगे हम लोग, पासर्स बाय करेंगे, बाय वाला एस काट के आप इस पासर में जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। बाय में जो एस लगा है उसको हटा के पासर में जोड़ दीजिए, पासर्स बाय कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट, जब मौसम क्या होगा, खुशनुमा होगा, सुनहरा होगा, बेहतरीन होगा, इट इज नाइस टू गो फॉर अ पिकनिक, तो पिकनिक जाना
बढ़िया रहेगा हम लोग, तो पिकनिक पे चलेंगे। सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि जब दो घटनाएं फ्यूचर में इंडिकेट की गई हो, जो जब दो घटनाओं का प्रयोग एक साथ फ्यूचर में किया गया हो, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। सो व्हेन द वेदर इज प्रेजेंट, और जो सेंटेंस का पार्ट व्हेन, इफ, इन केस, इनसे शुरू होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो देख लीजिए, व्हेन से शुरू हुआ है तो व्हेन द वेदर इज प्रेजेंट इज से शुरू है, यानी ऊपर वाला प्रेजेंट में है तो उसके बाद वाला फ्यूचर में होगा। तो इट इज नाइस नहीं होगा, क्या होगा? इस इट इज नाइस को आप काट लीजिए, होगा इट विल बी नाइस, यानी एक पार्ट फ्यूचर में और एक पार्ट प्रेजेंट में। तो व्हेन द वेदर इज प्लेजेंट इट विल बी नाइस टू गो फॉर अ पिकनिक, इट विल बी नाइस। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ मैन वॉज वॉकिंग फास्ट, एक व्यक्ति क्या कर रहा था? जल्दी जल्दी चल रहा था, तेजी से चल रहा था, लेस्ट ही डज नॉट मिस द ट्रेन, ताकि उसकी ट्रेन छूट ना जाए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए। लेस्ट शुड फिर से आ चुका है, और मैं बता दूं आप लोगों को, डियर ध्यान देंगे, लेस्ट आया है, शुड नहीं, सो क्या हो जाएगा? अ मैन वॉज वॉकिंग फास्ट, लेस्ट ही डज नॉट, जो ये पार्ट गलत है, जो ही डज नॉट है, क्या बताया था मैंने कि लेस्ट शुड वाले वाक्यों में नॉट, डज नॉट, डू नॉट, इन सबका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले से ही नॉट का अर्थ छिपा होता है। तो इस डज नॉट को आप काट देंगे, हटा देंगे, लेस्ट ही शुड, और इसकी जगह पे शुड लगा देंगे, सेंटेंस आपका सही कि अ मैन वॉज वॉकिंग फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, एक व्यक्ति तेज चल रहा था ताकि उसकी ट्रेन छूट ना जाए। नेक्स्ट देखिए, आवर टीचर टोल्ड अस दैट, हमारे टीचर ने क्या कहा कि द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता था। ध्यान देंगे, जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी किसी सेंटेंस में, ममता जी नमस्कार, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग फटाफट, क्या बोला जा रहा है कि आवर टीचर टोल्ड अस दैट, हमारे टीचर ने हमसे कहा, क्या कहा? हमारे टीचर ने हमसे कहा कि सूर्य पूरब से उगता था। डियर जब कभी भी ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन का क्वेश्चन है, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कोई ऐसी बात कही गई हो जो शाश्वत सत्य हो, जो कभी गलत नहीं हो सकता, वो फिक्स है और पूरी दुनिया पर बात लागू होती है, तो उसको चेंज नहीं करते, उसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो टीचर ने कहा, या टीचर कहता है, या टीचर कहेगा, कुछ भी बोला गया हो, आगे का जो सेंटेंस होता है ना, वो प्रेजेंट में होता है, यानी यदि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो सूर्य पूरब से उगता है, तो सूर्य पूरब से उगता है, आपको यही लिखना पड़ेगा, टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे। तो ये वाला पार्ट गलत हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये जो रोज है इसको काट दीजिए और यहाँ पे राइजेज कर दीजिए, आपने पढ़ा होगा ना, सूर्य पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो रोज का राइजेज करिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखिए मुझे लगता है आप लोग परेशान हो गए हैं, डियर परेशान ना होइए, बस एक दो क्वेश्चन है, बाकी मैं सेशन कवर कर दूंगा, सो प्लीज हैव पेशेंस, फटाफट देख लेंगे। द पुलिस मैन टुक द पेशेंट एट द नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो पुलिस वाला था उसने क्या किया, टुक द पेशेंट, रोगी को ले गया एट द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास के अस्पताल में। ध्यान देंगे, जब आप कहीं किसी व्यक्ति को लेकर जाते हैं स्थान पर, किसी जगह पर लेके जाते हैं, तो उसके पहले टू लगता है, एट नहीं, जैसे आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, सी वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू कहाँ, मार्केट, ठीक है। सो किसी स्थान से पहले, जगह से पहले टू लगता है, तो यहां ये पार्ट गलत है, एट को काट दीजिए, यहां लगा लीजिए टू, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, टुक द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, चलिए ध्यान देंगे डियर, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखेंगे हम लोग, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है देखेंगे सेशन का, और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। कीर्ति, ठीक है, देखिए मैं, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान नहीं दिया होगा, मैं जब भी आता हूं मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं पता है, मैं बोलता हूं गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 91, दिस इज राजचंद्रा, मैं हमेशा आपका नाम बोलता हूं, आते ही हर वीडियो में बोलता हूं। तो कई लोग मेरा नाम पूछ रहे हैं, डियर मेरा नाम है राज, आर ए जे राज चंद्रा, सी एच ए एन डी आर डबल ए, राज चंद्रा मेरा नाम है, ठीक है, सो माय नेम इज राज चंद्रा, आई थिंक अभी क्लियर हो चुका होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, डियर फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, और कीर्ति जी नाम बता चुका हूं मैं, राज चंद्रा, ओके। चलिए देखिए, द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री हैज क्वाइट इंप्रूव्ड ओवर द ईयर्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के साथ हम सेशन को खत्म करेंगे, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और देखते हैं। द इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, हैज क्वाइट इंप्रूव्ड ओवर द इयर्स, वो क्या हो गई है, वो पिछले कई सालों से
क्या हो रही है? इंप्रूव हो रही है। क्या हो रही है डियर? इंप्रूव हो रही है। सो देखेंगे डियर फटाफट गलती कहां है। पहले पार्ट में गलती है। गलती कहां है? पहले पार्ट में गलती है। इकोनॉमिकल कंडीशन अब जरा देख लीजिएगा। एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है इकोनॉमिकल। देखेंगे डियर आर्थिक, इकोनॉमिक की हिंदी होती है आर्थिक, जैसे कहना हो आर्थिक स्थिति तो क्या होगा? इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक स्थिति को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन बोलते हैं डियर, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए, और इकोनॉमिकल क्या होता है? इकोनॉमिकल जो होता है उसका मतलब इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक और इकोनॉमिकल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पैसे बहुत हिसाब से खर्च करता है, पैसे बहुत कम खर्च करता है, सोच समझ से खर्च करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिकल। ठीक है, एक तो होता है पैसे बहुत उड़ाता है, बहुत खर्च करता है, और एक होता है जो पैसे हिसाब से खर्च करता है, सोच समझ से खर्च करता है वो इंसान। ठीक है, अल्पव्ययी जिसको बोलते हैं एक वर्ड में। सो डियर इकोनॉमिक मतलब होता है आर्थिक और इकोनॉमिकल का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पैसे बहुत कम खर्च करता है, यानी अल्पव्ययी, मितव्ययी, जिसका खर्चा बहुत कम हो, जो सोच समझ के हिसाब से खर्च करता है। कंजूस नहीं, कंजूस दूसरी, कंजूस तो खर्च करता ही नहीं है। जो व्यक्ति कम खर्च करता है वो इकोनॉमिकल कहलाता है। तो क्या बोल रहा है? द इकोनॉमिकल कंडीशन कह रहा है ना, तो ये पार्ट गलत है कि नहीं है आपका? इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। तो इकोनॉमिकल में से ए एल काट दीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, द इकोनॉमिक कंडीशन होता है, द इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? द इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये पहला पार्ट गलत था हमारा, और इकोनॉमिकल को क्या कर लेंगे आप लोग? हटा देंगे। ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिकल को हटा के क्या कर लेंगे? इकोनॉमिक लिख देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी टाइम कम है वरना मैं आपको कुछ और बता देता, जैसे हस्बैंड एज ए वर्ब। चलते चलते बता देता हूं डियर, हस्बैंड, सेशन खत्म हो चुका है फिर भी हस्बैंड। देखिए, हस्बैंड मतलब होता है पति, पतिदेव, पत्नी, सॉरी पति जी, जो भी आप लोग कहते हो, हस्बैंड मतलब होता है पति, ये नाउन है। वर्ब के रूप में पति क्या होता है? जैसे कहना हो हस्बैंड योर मनी, अगर मान लीजिए कोई कह रहा है हस्बैंड योर मनी, इसका मतलब क्या हुआ? अपने पैसे को पति को दे दो, ये तो नहीं हुआ। हस्बैंड योर मनी अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ डियर? तो हस्बैंड एज ए वर्ब क्या होता है, सुन लीजिएगा, हस्बैंड एज ए वर्ब, कीर्ति आ जाएगा, मेरा नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा, वो नितिन सर का ऐसे ही आता है, बाकी कोई बात नहीं, मेरा नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बता चुका हूं मैं, अपना नाम यहां देख सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, राज चंद्रा, CHANDRAA, दिस इज माई नेम। ओके, चलिए, सो क्या बताया मैंने? हस्बैंड एज ए वर्ब, क्या बताया डियर? हस्बैंड एज ए वर्ब का मतलब क्या होता है? हस्बैंड एज ए वर्ब का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कह दिया हस्बैंड योर मनी, अपने पैसे को हस्बैंड कर लो, मतलब क्या? पति पत्नी को मत देना, पति को नहीं देना है। ठीक है, हस्बैंड का मतलब होता है पैसे संभाल के खर्च करना, हिसाब से खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना। जैसे कोई बहुत पैसा उड़ा रहा है, आप अपने दोस्त को कह रहे हो भाई ट्राई टू हस्बैंड योर मनी, ओके, क्या बोलेंगे आप? ट्राई टू हस्बैंड योर मनी, मतलब अपने पैसे को सोच समझ से खर्च किया करो, संभाल के खर्च किया करो, हिसाब से खर्च किया कर मेरे भाई, बहुत महंगाई है कोरोना की वजह से। सो माय डियर फ्रेंड, हस्बैंड नाउन के रूप में पति, वर्ब के रूप में क्या होता है? पैसे संभाल के खर्च करना, हिसाब से खर्च करना। सो डियर फ्रेंड, इसी के साथ ये सेशन खत्म हुआ, मैं आपके सारे क्वेरीज बता दिया, नंबर कहां से मिलेगा बता चुका हूं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो पीडीएफ इसकी बन रही है, मैं अपना नाम भी बता चुका हूं डियर। और एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये जो मेरी क्लास होती है हमेशा 2 बजे, डेली 2 बजे ये क्लास मेरी लाइव होती है। सो अधिक से अधिक वीडियो को और लेक्चर को शेयर करिए, और डियर फ्रेंड्स रेगुलर बने रहिए इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। और इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू।